अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ही डिफरेंट सा बनाना लोफ केक बनाने जा रही हूँ। और चलिए चलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले आप लोग बनाना ले लें जो कि हो नरम, अगर बड़े हों तो 3 और छोटे हों तो 4 बनाना ले लीजिएगा आप लोग। इसमें मैदा ले लें आप 1.5 कप, ऑल पर्पज फ्लावर, कोकोआ पाउडर 3/4 कप, वेजिटेबल ऑयल आप लोग ले लें 3/4 कप, बेकिंग पाउडर आप लोग ले लें 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, कैस्टर शुगर या पिसी हुई चीनी आप लोग ले लें 1 कप, 1/3 कप चॉकलेट चिप्स ले लें और 4 टेबलस्पून आप ग्रीक योगर्ट ले लें। उसके बाद आप एक बाउल लें और उसके अंदर आप सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएं, जिसमें आप सबसे पहले मिला देंगे मैदा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इसमें डलेगा कोकोआ पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम व्हिस्क कर लेंगे कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। जी तो यहाँ ये जो है मैं जो ड्राई अपना इंग्रेडिएंट्स है उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाएँ। और जी ये देख लें ये मिक्स हो गया। अब इसको हम एक साइड पर रख देंगे, हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। उसमें हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर अपने राइपन बनानास जो हैं वो डालेंगे जो बहुत ही ज़्यादा नरम हो। इस वक्त आप देख रहे हैं ये नरम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर सॉफ्ट होंगे तो वो और अच्छे होते हैं। अगर आपके पास उस वक्त ना हो तो आप इसको माइक्रोवेव में करके 3 से 4 मिनट के लिए ये इनको सॉफ्ट कर सकते हैं, और जब ये कूल डाउन हो जाए तो आप इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देख लीजिए ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, जो मेरे बनानास थे वो बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो गए। अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी यूज़ की है, आप जो है दानेदार चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने फिर दही डाल देनी है। अब ये मैंने दही डाल दी है और अब इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम जो है वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे और अगेन इसको बहुत ही आराम से हम अच्छा सा बैटर को कंबाइन कर लेंगे। और जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम चलेंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इनको आपको बहुत तेज़ स्पीड में नहीं वो करना है, जस्ट आपने इसको कट एंड फोल्ड मोशन में इसका यूज़ करना है स्पैचुला का इस बैटर के अंदर, क्योंकि ये इस वक्त जस्ट हमें फोल्डिंग करनी है। और इसी तरीके से आप स्लोली एंड ग्रेजुअली ये करते रहिएगा, आपका जो बैटर है बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन लुक में आ जाएगा। ये देख लीजिए आ गया। और आपने मतलब टेंशन नहीं लेनी कि ये क्यों इतना थिक है, क्योंकि इस बैटर ये जो हम बना रहे हैं ये थोड़ा थिक ही होगा, ये थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में नहीं होगा, ये गाढ़ा ही होगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉकलेट चिप। मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट चिप यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें मिल्क चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे करें इसमें डालें। अगर आप इवन नहीं भी डालना चाहते तो आप बेशक ना डालें, इस प्रोसीजर को स्किप कर दीजिएगा, बट मैं यहाँ डालूँगी और रिकमेंड भी करूँगी, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम अपने लोफ पैन में इसके इस बैटर को डाल देंगे। मैंने नीचे बटर पेपर लगाया है, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो जस्ट अपने पैन को अच्छी तरीके से बटर से ग्रीस कर लीजिएगा और फिर इस बैटर को इसके अंदर डाल दें। और हम अपने अवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे और इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30-35 मिनट्स के लिए रख देंगे, बट आप चेक करते रहिएगा। अब मेरे पास थोड़ा सा बैटर बच गया था तो मैंने कपकेक्स बना लिए, कि एक दो कपकेक्स भी आप बना सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आपका जो दिल करे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। नीचे हमारा जो लोफ है वो बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है, मज़ेदार सा। अब इसको थोड़ी सी देर हम ग्रिल पे रख के ठंडा कर लेंगे। हम अब चलेंगे चॉकलेट ग्लेज की तरफ। हमने 175 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है और 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल लिया है, और मैंने नीचे जस्ट लाइक बॉयलर पानी को बॉईल कर लिया है और उसके अंदर एक बॉल रख के अपना और इसको चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे। ये देख लीजिए ये चॉकलेट जो है हमारी मज़ेदार थी, अच्छी सी जो है मेल्ट हो चुकी है। और अब इसको हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे, इसको उठा लेंगे इस बॉयलर पे से।
यहाँ हमारा जो केक था वो फुल ठंडा हो चुका है और नॉर्मल टेम्परेचर हो चुका है। तो अब इसके ऊपर जो है हमने जो ग्लेस तैयार की थी वो हम डाल देंगे। ये देख लीजिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सरेदी हुआ है ये। अब इसके ऊपर हम जो डालेंगे अपनी जो है चॉकलेट ग्लेस, और पीछे आप कपकेक्स भी देख रहे हैं वो भी रेडी हो गए हैं। ये इस तरीके से आप इस पर पूरी चॉकलेट डाल दीजिएगा और इसको कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से आपने फुल कवर अप करना है, और आप इसको फुल ऊपर भी डाल सकते हैं और जस्ट लाइक मैं कर रही हूँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जस्ट प्रेजेंटेशन है, आप जिस तरीके से करना चाहें इट्स टोटली अप टू यू। और अब मैं थोड़ी सी जो है अपने कपकेक्स के ऊपर भी डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर हम जस्ट अच्छी लुक देने के लिए और क्रंचीनेस लाने के लिए मैं इसके ऊपर क्रश कैश्यू डाल रही हूँ, बट आपका जो दिल करे आप वो नट डालें, हेज़ल नट डालें, वॉलनट डालें, इट्स टोटली अप टू यू। हमारा जो लोफ केक है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त सा रेडी हुआ ये। अगर थोड़ा सा और ठंडा हो जाता तो ये ऊपर की जो चॉकलेट है ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती और बहुत ही यम्मी लगेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।